गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था कि पटल वाला चल रहा था हमारा, पटल वाला था 2a लंबाई और 2b चौड़ाई का पटल था, जिसका हम 2a के परतः 2a के समांतर रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाल चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम भुजा 2b के समांतर परित रेखा के सापेक्ष निकालेंगे, ठीक है? तो ध्यान लगाना, अब इसका जो है बी पार्ट है, ये सेकंड पार्ट कह लें या बी पार्ट कह लें, सेकंड कह लेते हैं। ये कोई क्या है, आयताकार पटल है, ये इसका केंद्र है, ये हमारा एक्स अक्ष एक्स डैश, और ये कौन सा वाई एक्स वाई डैश। तो किसके परते पूछ रहा है वो? वो कह रहा है भुजा 2b के समांतर, ये हमारी भुजा 2b है और ये भुजा कौन सी थी, 2a थी, इस भुजा के समांतर। तो हमने क्या किया, जो केंद्र से गुजरे ये हमारी परित रेखा है y डैश, तो ये हमारी कौन सी रेखा है, परित रेखा, या पारित रेखा भी कह देते हैं, पारित रेखा, जो केंद्र से गुजरती है और भुजा 2b के समांतर, ये रही भुजा 2b, इसके समांतर है ये, तो केंद्र से गुजरने वाली पारित रेखा ये हो गई। अब हमने क्या किया, छोटी काट भी इसी के समांतर ले लेते हैं, छोटी काट इसी के समांतर ले ली, तो ये इसकी लंबाई 2b हो गई, इसकी चौड़ाई ये होगी, ये एक्स अक्ष की दिशा में, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स, ठीक है? और ये इसकी इससे दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो हम पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि 2a इंटू 2b क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M, इसलिए क्या होगा, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, M अपॉन 4ab, 2a इंटू 2b, 2a इंटू 2b क्या हो जाएगा, 4ab, 4ab अपॉन में आ जाएगा। इसलिए छोटी काट का क्षेत्रफल, इसलिए छोटी काट के क्षेत्रफल, बताओ छोटी काट का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई ढूंढो, इसकी लंबाई कितनी है, 2b, 2b ये लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, छोटी सी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल का द्रव्यमान, का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, जो एकांक वाला आया है एम अपॉन 4ab, उसमें गुणा कर देंगे किसका, जो छोटी काट का क्षेत्रफल का 2b इंटू डेल्टा एक्स का, तो ये कट रहा है, तो ये कितना रह जाएगा, एम अपॉन बी से बी कट रहा है, एक ए रह जाएगा नीचे और एक टू रह जाएगा, 2a और डेल्टा एक्स, ये छोटी काट के क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। अब छोटी काट का पारित रेखा कौन सी है, वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान निकाल चुके हैं, एम अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स गुणा दूरी कितनी है, छोटी काट की वाई वाई डैश वाई एक्स से दूरी कितनी है, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कह देते हैं इसे, इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, जड़त्व आघूर्ण। अब हम पूरे पटल का चाहिए तो इसका समाकलन करेंगे एक बार, डेल्टा एक्स आ रहा है इसमें, इसलिए पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या, द्रव्यमान बराबर समाकलन कितना,
एम अपॉन टू ए एक्स स्क्वायर और डेल्टा एक्स। यदि चाहें तो डेल्टा एक्स को हम डी एक्स लिख सकते हैं, अगली लाइन में लिख लेंगे। ये बाहर आ जाएगा, इसकी लिमिट क्या होगी डेल्टा एक्स, एक्स की लिमिट क्या होगी बताओ, माइनस ए से प्लस ए नहीं हो जाएगी, एक्स अक्ष की दिशा में इधर को दूरी पूरी तो टू ए है, पूरी टू है तो आधी कितनी रह जाएगी ए, आधी ए इधर, तो ये माइनस ए और इधर प्लस ए, तो माइनस ए से प्लस ए हो जाएगी लिमिट, और एम अपॉन टू ए बाहर कर लें, एम अपॉन टू ए बाहर आ गया, क्या रह गया माइनस ए से प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसा फलन है ये, सम फलन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सम फलन है तो दोगुना हो जाएगा ये, तो टू जीरो से टू एम अपॉन टू ए और जीरो से ए हो जाएगी लिमिट, और एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, टू से टू कट गया तो ये रह गया एम अपॉन ए, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई थ्री और लिमिट कितनी जीरो से ए, ठीक है। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, जीरो रखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, ए रख दें केवल, तो एम अपॉन ए इंटू क्या ए क्यूब वाई थ्री, तो ए से एक ए कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी एम ए स्क्वायर वाई थ्री, ये किसके परते आ गया है भुजा टू बी, जो कि भुजा टू बी के समांतर केंद्र से गुजरने वाली पारित रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, जो कि क्या है पारित रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, तो ये इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट और है, थर्ड पार्ट, पारित रेखा की बात कर रहा है, पारित रेखा कहाँ पर है, पारित रेखा कहाँ से केंद्र से गुजरती है और तल के लंबवत है, पारित रेखा की बार कहाँ पर है, केंद्र से गुजरती है और क्या है तल के लंबवत, पारित रेखा केंद्र से गुजरे एवं तल के लंबवत है, ठीक है, पारित रेखा हमारी कहाँ पर है, केंद्र से गुजरे और तल के लंबवत, तो हम बना लेते हैं वो आयताकार पटल, ये हमारा आयताकार पटल है, इसकी ये वाली भुजा 2b है, ये वाली भुजा कितनी है 2a, ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो पारित रेखा कहाँ पर है, केंद्र से गुजरे, केंद्र से जानी चाहिए और तल के लंबवत, तो जैसे ये पटल है तो इसके लंबवत इस टाइप से होनी चाहिए, ठीक है, इसके लंबवत कैसे होने चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए, तो ये हमारी पारित रेखा है, तो हम क्या करेंगे इस रेखा को, अब ये 2d है और ये रेखा हमारी खड़ी है, इस पर रेखा क्या है, जैसे पेन रखा हुआ है, इस पे पेन रखा हुआ है इस पर, और ये क्या है खड़ा है, तो उसको हम खड़ा हुआ तो नहीं बना सकते, तो हम यहाँ बना देते हैं उसको डॉट डॉट करके, ये हमारी कौन सी रेखा है पारित रेखा, ठीक है, तो हमने क्या किया, अब ना तो भुजा 2b के समांतर, ना ही भुजा 2a के समांतर, जो हम पहले छोटी काट काटी थी 2b के समांतर थी, तो 2b के समांतर छोटी काट काट ली थी, 2a के समांतर थी तो हमने 2a के समांतर छोटी काट काट ली थी, अब ये तो किसी के समांतर नहीं, तो हम छोटी काट कैसी लेंगे, छोटी काट हम इस टाइप की ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश यहाँ बना लेते हैं एक्स, और ये कौन सा है वाई अक्ष, ये कौन सा वाई डैश और वाई, ठीक है, ये कोई सी रेखा नहीं, थोड़ा पेन हिल गया था उससे हो गया ये, तो ये हमारी छोटी काट है, अब इस छोटी काट की एक्स अक्ष की दिशा में तो लंबाई डेल्टा एक्स है, वाई अक्ष की दिशा में लंबाई क्या है इसकी डेल्टा वाई,
और इससे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष की, वाई अक्ष की दिशा में, तो ये दूरी हो गई इसकी वाई, और यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, ये वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई एक्स। तो इस रेखा से दूरी क्या हो जाएगी, इस वाई को हम थोड़ा इधर बना लेते हैं, इस रेखा से दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, ये कितनी निकलेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी विकर्ण बन गया, ये यहाँ तक है, छोटी काट को थोड़ा और ऊपर बनाते तो ज़्यादा बड़ी रहता है, यहाँ से छोटी काट है ये, इस टाइप का थोड़ा त्रिभुज सा दिख रहा है, ये जो हमारी है वो कितनी है वाई, वाई एक्स की दिशा में, और ये एक्स अक्ष की दिशा में है एक्स दूरी, तो इस कोने से मूल बिंदु ओ तक की दूरी क्या हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई, कौन सी, ये वाली, इसको नाम देते हैं ओ और इसको कह देते हैं पी, ठीक है। ओ पी दूरी क्या हो गई हमारी, ओ पी बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही दूरी हमारी, दूरी का काम यही करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे मान लो लंबत रेखा खींच लेते हैं, इस टाइप से हम पेन को पकड़ लें यहाँ पर, तो हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो वो दूरी हमारी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब भी हम द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्क करेंगे तो दूरी ये हमारी ओ पी काम करेगी, दूरी बराबर ओ पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहले उसी तरीके से क्या निकाल लें इसका, पहले उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं इसका क्या, द्रव्यमान छोटी काट का, तो चूंकि 4AB क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कितना है कैपिटल M, इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताओ, एम अपॉन 4AB, 4AB कहाँ से आया है, 2A गुणा 2B लंबाई गुणा चौड़ाई, इस पूरे पटल का क्षेत्रफल लंबाई 2A गुणा 2B, तो 4AB हो गया। 4AB क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या, पूरा 4AB क्षेत्रफल है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M, 4AB का भाग लगा देंगे तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ जाएगा, इसलिए छोटी काट के क्षेत्रफल, छोटी काट के क्षेत्रफल, छोटी काट का क्षेत्रफल क्या होगा, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वाई का द्रव्यमान, का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताओ, इस एकांक में एम अपॉन, भाई इसका डेल्टा एक्स लंबाई है छोटी काट की और डेल्टा वाई चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई क्षेत्रफल हो गया छोटी काट का, तो एम अपॉन 4AB एकांक वाले में गुणा कर देंगे छोटी काट के क्षेत्रफल का, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वाई का, ठीक है। इतना हो गया, ये क्षेत्रफल द्रव्यमान आ गया किसका, छोटी काट का। अब हम छोटी काट का जड़त्व आवरण निकालते हैं, अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण पारित रेखा से देखते हैं, पारित रेखा से दूरी ये है, तो बराबर क्या सूत्र है, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान कितना है बताओ, द्रव्यमान है ये निकला है हमारा एम अपॉन 4AB गुणा दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा अपॉन फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, दूरी क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग, दूरी ओ पी है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वर्ग, ठीक है। अब इसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई आ रहा है, तो इसका समाकलन हमें दो बार करना पड़ेगा पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए, ठीक है। तो अब पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण बराबर डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं,
डबल इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई आ रहा है, दो बार आ रहा है छोटी सी वैल्यू, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को तो यहाँ लिख लेते हैं, और जो कुछ है उसको यहाँ लिख लें, एम अपॉन फोर ए बी, इसका वर्क कर रहे हैं, वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे को यहाँ लिख लिया है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई यहाँ लिख लिया है, और ये चीज़ यहाँ लिख लिए, वर्क करने से वर्मूल हट गया। इसमें कॉन्स्टेंट को बाहर लगा दें, लिमिट और लिखेंगे पहले एक्स की और वाई की, बताओ एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, टू ए है, एक्स एक्स की दिशा में दूरी क्या है टू ए, आधी इधर हो गई और आधी इधर हो गई, मूल बिंदु ओ का काम कर रहा है ये, तो माइनस ए से प्लस ए लिमिट हो गई, ऐसे इसकी क्या हो जाएगी माइनस बी से प्लस बी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो एम अपॉन फोर ए भी तो बाहर कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन फोर ए भी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, रह गया क्या डबल इंटीग्रेशन में, माइनस ए से प्लस ए और माइनस बी से प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स इंटू डी वाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को अब क्या लिख लेंगे, डी एक्स इंटू डी वाई। अब इसका हम समाकलन करते हैं, देखते हैं समाकलन क्या प्राप्त होता है, पहले किसके सापेक्ष किया जाएगा बताओ, पीछे समाकलन प्रारंभ करते हैं, पहले वाई के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा एम अपॉन फोर ए बी, और क्या आ जाएगा माइनस ए से प्लस ए, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन थ्री, और ये y का सम फलन और है थोड़ा सा, y का कौन सा फलन है, सम फलन है, तो हम दोगुना कर लेते हैं, लिमिट जीरो से b लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि y की जगह माइनस वाई रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दोगुना हो गया, दो आगे कर दिया, लिमिट जीरो से b, और क्या रह गया dx, ठीक है, dy है ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो से कट रहा है ये, एम अपॉन टू ए बी, और क्या आएगा माइनस ए से प्लस ए, बी रखें यहाँ पर तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस बी क्यूब अपॉन थ्री और डी एक्स, वाई की लिमिट रख दी बी, जीरो रखने का कोई फ़ायदा है नहीं इसमें, ठीक है, y की लिमिट क्या रख दी है b, और जीरो रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, इतना प्राप्त हो गया। अब इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो दोगुना करना पड़ेगा क्योंकि x की घात सम है, यानी सम फलन है ये x के लिए, x की जगह माइनस x रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये बराबर क्या रह जाएगा m अपॉन टू ए बी, और दोगुना हो गया, समाकलन भी कर देते हैं एक साथ ही, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटे तीन, और बी कॉन्स्टेंट जैसे एक तैसे, बी क्यूब बटे तीन कॉन्स्टेंट, यहाँ वन का समाकलन होगा क्या एक्स, और लिमिट जीरो से ए हो जाएगी, एक साथ दोनों काम कर लिए, समाकलन भी कर दिया और लिमिट जीरो से ए कर दी, दोगुना कर दिया है, ठीक है, और क्या है डी एक्स अब खत्म हो जाएगा क्योंकि समाकलन कर चुके हैं, इस दो से दो कट जाएगा, लिमिट ए रख रहे हैं इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, तो ये रह जाएगा एम अपॉन ए बी, ए वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये रह जाएगा ए क्यूब बी वाई थ्री प्लस बी क्यूब ए वाई थ्री, ठीक है, जीरो रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब इसमें से तीन कॉमन आ रहा है नीचे से, ऊपर से ए बी कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा बताओ, ये रह जाएगा एम और ए बी कॉमन, बटे ए बी है ही, नीचे से तीन कॉमन आ रहा है, तीन है ये, और क्या रहेगा, ये रह जाएगा ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा बी स्क्वायर, इसमें से ए बी कॉमन लेंगे तो ए की घात दो बचेगी और बी की घात दो बच जाएगी, ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ लिख लेते हैं बराबर क्या रह जाएगा, ए बी से ए बी कट गया एम ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बटे तीन, ठीक है, ये रह जाएगा। ये क्या है हमारा, ये क्या है, जड़त्वागुण है। किसके परतय है जड़त्वागुण, पटल का जड़त्वागुण है। पटल का जड़त्वागुण है किसके परतय है, ये मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा, केंद्र से गुजरती हुई रेखा और पटल के लंबवत, इस टाइप से ऊपर पटल के लंबवत, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। और हम ये फोटो भेज देंगे ग्रुप में, तुम लोग वीडियो से भी बना सकते हैं नोट्स, और ग्रुप में हम फोटो भेज देंगे उससे भी बना सकते हैं। तो इतना काम कर लेना कंप्लीट फेयर में, और रिवीजन भी करते रहें पीछे से।